सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह है स्प्लेंडर प्लस। इसका व्हील देखिए कैसे हिल रहा है, देखिए कंडीशन। अब साइड से देखिए, आप सोच रहे होंगे तो भाई जो बैरिंग है वो ख़राब है, लेकिन दोस्तों इसका बैरिंग ख़राब नहीं है। इसके अंदर जो बैरिंग है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए इसकी, जैसे ड्रम प्लेट को हम खोलते हैं, ड्रम प्लेट खोलने के साथ ही जो बैरिंग है वो बाहर आके गिर चुका है, क्योंकि जो इसका व्हील है, व्हील की जो सीट है जहाँ पर बैरिंग की ठुकाई की जाती है, देख सकते हैं कितनी लूज है। कम से कम जो है ये 2 mm का गैप यहाँ पे आ चुका है। अब इसको जो ये गैप है, यही वजह है जो व्हील हमारा हिल रहा है। ये प्रॉब्लम सभी बाइकों में आ जाती है, ऐसा नहीं है ये इसी बाइक में आई है, सभी बाइकों में आ जाती है ये प्रॉब्लम, सभी व्हील में आ जाती है। और इसका जो दूसरी साइड है वो देख सकते हैं, बिल्कुल जो बैरिंग की सीट है वो बिल्कुल टाइट है, जो बैरिंग है हमारा प्रॉपर तरीके से ठुका हुआ है, ठीक है। अब इस सीट का हमें करना है प्रॉपर इलाज, ताकि बार बार ये परेशानी ना आए। तो उसके लिए जो है हमें जाना पड़ेगा खराद वाले के पास, जो खराद वाले जो हैं, फिर इसको जो है जो खराद है उसके अंदर सबसे पहले इस तरह से फिटिंग करते हैं। इस तरह से फिट करने के बाद अब जो व्हील है उसकी की जाती है अलाइनमेंट, जो अंदर जहाँ पर बैरिंग की जो सीट है वहाँ पर अलाइनमेंट की जा रही है, क्योंकि यही सबसे पहला प्रोसेस होता है। और उसके बाद जो इस व्हील का जहाँ पर बैरिंग की ठुकाई की जाती है उस हिस्से को प्लेन किया जाता है थोड़ा कटिंग के साथ। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बैरिंग लूज पड़ता है किसी व्हील के अंदर, तो जो सीट है वो कहीं से ज़्यादा घिसती है, कहीं से कम घिसती है। पहले उसको एक्यूरेट किया जाता है, बिल्कुल राउंड शेप में तैयार किया जाता है, देख सकते हैं इसको पहले बिल्कुल राउंड शेप में तैयार किया जाता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है। तो लीजिए दोस्तों, जो बैरिंग है उसकी सीट जो है एक्यूरेट कटिंग कर दी गई है। अब ये किसी साइड से कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बराबर हो चुकी है। अब बारी है अगले स्टेप की। ये है एक स्लीव जो 35 mm इसका इनर डाया होता है, और जो 40 mm है वो आउटर डाया। और उसके बाद इसको जो है खराद के अंदर फिटिंग किया जाता है इस तरह से। और इसके बाद जो है इसको भी ऐसे ही एक्यूरेट किया जाता है, क्योंकि ये जो स्लीव है इसको ही अब आगे काम में लिया जाएगा। सबसे पहले इसका जो इनर डाया है उसको बैरिंग के साइज़ के बराबर किया जाता है, उससे थोड़ा सा टाइट किया जाता है। जैसे कि हमारा जो बैरिंग इसके अंदर स्प्लेंडर प्लस के अंदर डालता है वो 37 mm का होता है, और ये स्लीव जो है अंदर से 35 mm की है। इस स्लीव का जो इनर डाया है उसको 37 mm से थोड़ा सा कम किया जाता है, क्योंकि जो बैरिंग हमने इसके अंदर ठुकाई करना है वो टाइट तरीके से इसके अंदर जाए, न कि लूज तरीके से। सबसे पहले इनर डाया तैयार किया जाता है, देख सकते हैं इसका इनर डाया तैयार हो चुका है। अब बारी है आउटर डाई की। जो इस स्लीव का आउटर डाया है जो हमने व्हील के अंदर कटिंग की है, उससे थोड़ा सा मामूली सा एक्स्ट्रा रखा जाता है, ताकि जहाँ पर हमने जो व्हील के अंदर कटिंग की है, जब ये स्लीव उसके अंदर इसकी ठुकाई की जाएगी तब वो लूज तरीके से उसके अंदर न जाए, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज रखा जाता है इस स्लीव के आउटर डाई का। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो अब तैयार हो चुकी है दोनों तरफ से। अब जब ये स्लीव पूरी तरह से तैयार हो जाती है, उसके बाद इसकी जो है कटिंग की जाती है। जितना हमें बैरिंग के अंदर ठुकाई करना होता है उतना हिस्सा काट लिया जाता है, बाकी को ऐसे ही स्लीव को छोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं जितने हिस्से की हमें ज़रूरत है उतना हिस्सा हमने
कटिंग कर लिया है ताकि जो बैरिंग है, जो 37 mm का बैरिंग है, वो इसके अंदर अच्छे तरीके से जा सके। अब जो है इस बैरिंग को इसके अंदर हमें डालना होगा, लेकिन उससे पहले जो है ये जो स्लीव हमने कटिंग किया है उसको व्हील के अंदर परफेक्ट तरीके से फिटिंग करना है। तो अब हम यहाँ पर जो है फेवी टाइट बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये दो ट्यूबें होती हैं जिनको मिक्स करके लगाया जाता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। देखिए इसके अंदर जो पेस्ट है उसको लगा दिया गया है और ये पेस्ट लगाने के बाद इसको सीट पर अच्छे तरीके से जो है इस तरह से लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो है जो स्लीव हमने कटिंग किया था उस स्लीव को इस तरह के एक टूल के साथ जो है इसके अंदर जो है ठुकाई कर दी जाती है। देख सकते हैं ये बहुत ध्यान से की जाती है, कहीं जो व्हील है उसकी शीट टूट ना जाए, बहुत ध्यान का काम है। तो इस तरह से जो है ध्यान से इसको इसके अंदर स्लीव को इसके अंदर ठुकाई कर दी जाती है। अब जो एक्स्ट्रा स्लीव जो है थोड़ी बाहर है उस हिस्से को कटिंग कर दिया जाता है ताकि ये जो व्हील की जो शेप है उसके बराबर आ जाए जहाँ पर बैरिंग की ठुकाई हुई है होनी है। ठीक है, अब जो हमारा व्हील है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ये रेडी है। और उससे पहले जो है हमें जो ये इसका बैरिंग है अब इसको जो है इसके अंदर ठुकाई करनी है। उसके लिए भी हमें एक स्लीव की ज़रूरत पड़ेगी जो पूरे पूरे साइज़ की हो ताकि जो बैरिंग का अंदर का कॉर्न है उसको कोई चोट ना लगे, यदि उसको चोट लगी तो बैरिंग जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसकी ठुकाई के लिए हमें जो है उसके साइज़ की ही एक स्लीव लेनी होती है। देख सकते हैं ये स्लीव हमारे पास है और उस स्लीव के बाद हम इसकी ठुकाई कर देते हैं। ये थोड़ा ध्यान से करें, पहली बार देख सकते हैं जो बैरिंग है वो अच्छे तरीके से टाइट इसके अंदर जा रहा है। अब जो है ये जल्दी से लूज नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बाइक का जो व्हील की ये समस्या थी उसको ठीक कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और यदि चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।